लोकसभा और राज्यसभा में गुजरात में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही इस मुद्दे पर दो बार स्थगित हुई। वहीं लोकसभा में भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर गुजरात सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम गुजरात के ऊना में हुई घटना से काफी आहत है। गुजरात में 11 जुलाई को जो भी घटना घटित हुई है, सबसे पहले तो उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूं और उसकी कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूं। और सदन को मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई तक हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर थे। बात प्लीज दिस इज नॉट द वे। राजनीति चाहिए आप बोलिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली राजनाथ सिंह स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। यस, मैं पूरे दिन खड़ा रहूंगा लेकिन अपनी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। दो टूक शब्दों में मैं रखना चाहूंगा, मैं यील्ड करने को तैयार नहीं हूं। अब हाँ तो सुनिए कृपया, आपको जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हो मेरी बात समाप्त होने के बाद आप करिए, मैं उसका स्वागत करूंगा। उस पर जो कुछ भी मुझे कहना होगा मैं कहूंगा। मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि 12 तारीख को लौटने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे टेलीफोन करके वो अपने रेजिडेंस पर बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने जहां अन्य घटनाओं की चर्चा की, उसके बाद शाम को उन्होंने इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने उसकी चर्चा की और उस पर बहुत ही इसको जहां कंडम किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, मैंने देखा कि स्वयं इस घटना को लेकर वो बहुत ही दुखी थे, आहत थे। मैं इस घटना का उल्लेख तो वैसे सुरेश जी ने किया है अपने स्टेटमेंट में, लेकिन मैं भी उसकी बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी अध्यक्ष महोदय यहां पर रखना चाहूंगा। ये ऊना उपमंडल है, जिला गिर सोमनाथ में, यहां पर मोटा समधियाला नामक एक स्थान है गुजरात में, यहां पर की 11 जुलाई 2016 को एक दलितों पर अत्याचार की यह घटना घटित हुई है। इस घटना में जो विक्टिम थे, गिर सोमनाथ जिले के वेदिया गांव में एक मृत गाय के शरीर से चमड़ी निकाल रहे थे। फिर उसके बाद जो एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त वहां पर आए और उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और लोहे के पाइपों से, लाठियों से एवं एल्यूमिनियम स्ट्रिप आदि से पीटना शुरू कर दिया तथा पीड़ितों से 3 मोबाइल फोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और कुल 9 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 7 न्यायिक हिरासत में हैं तथा अन्य 2 पुलिस हिरासत में हैं। आईपीसी की धारा 342, 365 और अत्याचार अधिनियम की धारा 31 को अब तक की गई जांच के आधार पर आगे और जोड़ा जा रहा है।